हाँ भाई टिकट टिकट हाँ एक मिनट। मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे इस जेब में बहुत सारे पैसे रखे थे, मेरे पैसे नहीं मिल रहे। देखिए ना मेरी जेब अभी अभी कट गई। अरे अभी बस चली भी नहीं है, तुम्हारी जेब कैसे कट गई? भाई तुम खुद देखो, मेरी जेब अभी किसी ने काट ली और इसी में मेरी टिकट भी थी। अरे भाई क्या हो गया, अभी तो बस चली भी नहीं। जेब काटा होगा ना, वो बस में ही होगा, आप सबकी तलाशी ले लो। सही बोल रहे हो तुम। ड्राइवर साहब गेट बंद करो ताकि कोई बाहर ना निकल पाए। तुम बैठ जाओ, मैं तलाशी लेता हूँ। अरे सबकी क्यों तलाशी ले रहे हो? जो इसके पीछे बैठा था उसकी तलाशी लो ना, सबको क्यों फंसा रहे हो? इसी ने ही चोरी की होगी। मैडम ये क्या बोल रही हो आप, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ तो फिर तुमने चोरी नहीं की तो तलाशी करवा लो। हाँ हाँ कर लो चेकिंग। इसके पास नहीं तुम्हारे पैसे। अबे ओ तू मेरी चेकिंग करेगा? तो जानता भी मैं कौन हूँ? मैं बहुत अमीर घर से हूँ, समझा तू? और मेरी ना कार खराब हो गई है, इस वजह से मुझे बस में आना पड़ा। मैं कोई चेकिंग वेकिंग नहीं कराऊंगी। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे लग रहा है कि मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। और पुलिस आने के बाद अगर मेरे पैसे किसी के पास मिल गए तो उसको तो जेल जाना ही पड़ेगा। मैडम चेकिंग करवाइए। भाई इसमें भी नहीं तुम्हारे पैसे। भाई इसके पास में तुम्हारे पैसे। भाई एक काम करो, तुम बैठ जाओ, हम बस चलाते हैं। और कितना माल लगा हाथ में आज? पूरे 10,000 हैं। तुम्हें पता है आज तो मैं डरी गई थी कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। तू पागल है क्या? मेरे होते हुए तुझे कौन पकड़ सकता है? जल्दी से मेरा हिस्सा दे, मेरी बस खड़ी है। पूरे है ना? अब तू बस से नहीं, अब तू पुलिस की गाड़ी से जाएगा, इंस्पेक्टर गौरव। सर मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे इसने बोला था ये सब करने के लिए। मुझे कई दिनों से तुम लोगों की तलाश थी और हम दोनों ने मिलकर ही ये प्लान बनाया था तुम लोगों को पकड़ने का। और जब तूने बस में इसको इशारा दिया ना तभी मैं समझ गया मिला हुआ है। तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसीलिए तुम दोनों का पीछा किया हमने। और आज देखो तुम दोनों पकड़े गए। चल अब पुलिस स्टेशन, वहां पता चलेगा किसकी गलती थी किसकी नहीं। चल थाने। और हाँ मैडम, आपके लिए कोई लेडी कांस्टेबल नहीं आएगा, चलिए थाने। हाँ जी। वो मैडम आपका पार्सल आया है। पार्सल? अच्छा मैंने आईफोन मंगाया था, शायद वही आया होगा। जल्दी लाओ जल्दी। मैडम आप पेमेंट ऑनलाइन करोगे या कैश दोगे? ऑनलाइन नहीं, मैं कैश ही दूंगी। ओके ठीक है मैडम। अच्छा मैं अंदर से पैसे लेके आती हूँ, तब तक आप अंदर बैठो, पानी वानी पी लो। नहीं नहीं मैडम थैंक यू, वो मैं पानी पी के आया हूँ, आप जल्दी से कैश दे दीजिए, वो मेरे को दूसरी जगह भी डिलीवरी करने जाना है ना। अरे पानी पी के थोड़ी कुछ होता है, वैसे भी ना डेली पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। आप तो इतनी मेहनत करते हो, सीढ़ियों से ऊपर नीचे डिलीवरी करना पड़ता है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है मैडम आप पिला दीजिए पानी। आइए आइए शर्माइए मत। okay. आप यहीं पे बैठो, मैं अंदर से कैश और पानी लेके आती हूँ। ठीक है मैम, बस थोड़ा जल्दी करना प्लीज। ये लीजिए पानी और ये पैसे। अरे पैसे गिन तो लीजिए, पैसे पूरे। अरे मैडम आप कैसी बात कर रहे हो, पैसे पूरे ही होंगे। अच्छा वैसे मैं कह रहा था आपके पास अगर कुछ लिखने के लिए मिल जाए, वो एक्चुअली मेरे को ना एक एंट्री करनी है, बहुत जरूरी है। हाँ है ना, मैं लेके आती हूँ। ये पानी पी के मेरा सर क्यों घूम रहा है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं।
मैडम आपने पानी में कुछ मिलाया था क्या? बहुत देर से घूम रहा है। अरे आप इतनी मेहनत करते हो, इतने भागा दौड़ी करते हो, इसलिए शायद सर चकरा रहा होगा। जल्दी किस बात की है, इतने सारे पैसे लेकर आखिर जाओगी कहाँ? बेहोश नहीं हुए थे? बेहोश? बेहोश तो तब होता ना जब ये पानी मैंने पिया होता। एक काम करती हूँ, इसके पानी में बेहोशी की दवाई मिला देती हूँ, फिर इसके बैग से सारे पैसे निकालूंगी। पैसे पूरे ही होंगे। अच्छा वैसे मैं कह रहा था आपके पास अगर कुछ लिखने के लिए मिल जाए, वो एक्चुअली मेरे को ना एक एंट्री करनी है, बहुत जरूरी है। हाँ है ना, मैं लेके आती हूँ। छिड़काने के केस में अंदर करा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर पे अकेली हूँ और तुम डिलीवरी के नाम में मेरे घर में घुस आए हो। और तुमने मेरे साथ क्या किया? ये किया। तो अब मैं चाहूँ तो आराम से तुम्हें छिड़काने के केस में अंदर करवा दूंगी। ओहो, इसके बारे में तो जैसे मैंने सोचा ही नहीं होगा। अब जो करेगी ना पुलिस करेगी। सबूत क्या है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पैसे मैंने ही चुराए हैं? मैडम मैं ना पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ आया था, और मुझे ना तुम्हारे बारे में सब पता है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ तुमने ये किया, और भी ऐसे लड़के हैं तब तुम ये कर चुके हो। और तुम्हें पता है उनमें से कई लड़कों ने ना सुसाइड भी कर लिया था, और उन सबकी लाइफ खराब करने की जिम्मेदार ना सिर्फ तुम हो। और मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है, बस आती होगी अभी पुलिस। ये लो आ गई पुलिस।